जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर में मौजूद हूँ जहाँ पर सिविल सोसाइटी और यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज जारी है। और इस वक्त हमारे साथ खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आज यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दुआ कीजिए कि ये सिर्फ एहतजाज ना रहे, ऑलरेडी मेरे नबी की सारी उम्मत को एहतजाज पर लगाया हुआ है इन्होंने। आप अल्लाह से दुआ कीजिए आपकी ये कोशिश जो है वो बराबर साबित हो और ये जल्द से जल्द मुलजमों को गिरफ्तार करने की पोजीशन में आए और इनको अल्लाह के फजल से इसी निज़ाम अदल से कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और मेरी दुआ है कि हमारे ये जो जुमला मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको कैफिर किरदार का मतलब समझ में आ जाए। और सर, जो आला अफसरान की जानिब से जो बयान दिए गए हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बाज़ुकात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बहुत प्रेशर होता है, सहवन भी मुँह से कुछ निकल जाता है। मैंने उनसे कहा, मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर ये सहवन हुआ है तो मेहरबानी करके पब्लिक से कहिए कि माफ़ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया, हम फौरी माफ़ कर देंगे उनको। लेकिन ही शुड बी नो आउट फॉर इट कि ये मुजरिम फौरी गिरफ्तार हों और अपने अंजाम को पहुँचे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, इनका कहना था कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि जो हमारे माशरे की खवातीन हैं उन्हें महफूज बनाया जा सके। जी।